लिखा हुआ है, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये सब हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट है इसके रिस्पॉन्सिबल। तो सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आरोपियों को फांसी दे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोलकाता में जिस तरह से दिल दहला देने वाली घटना हुई है, इसको लेकर देश भर में डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिसको लेकर आज लखनऊ में भी 1090 चौराहे पे तमाम डॉक्टर्स हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं, एक डॉक्टर का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, अगर वो डॉक्टर ना भी होती तब भी क्या आप लोग इसी तरह स्टैंड? देखिए, हमारा स्टैंड आज भारत की हर बच्ची, औरत, बूढ़ी, जवान, हर एक के लिए। इट्स अबाउट द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हम क्या लगता है कि देश में महिलाओं का जो सुरक्षा की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं वो सब दिखावा है? आप मुझे बताइए, 2012 से लेकर आज 12 साल में क्या बदला? 12 साल पहले निर्भया को सड़क से उठा लिया गया आधी रात में, 12 साल बाद निर्भया पढ़ लिख ली और उसको उसी के डिपार्टमेंट में रेप करके मार दिया गया, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? कैसे बचा पाए आप अपनी बेटी को? नहीं बचा पाए। ये सारा छलावा है। जब आप उसको सिक्योर ही नहीं कर सकते हो तो पढ़ाओ, जो कुछ भी कर लो। आप मुझे बताइए, क्या डॉक्टर्स इंटेलिजेंट नहीं होते? कैसे सिलेक्ट होते हैं? कैसे पहुंची होगी वो PG तक? शी वॉज द क्रीम ऑफ द क्रीम, बट देन नो, शी वॉज अ वुमेन फर्स्ट। ये है इस देश की हकीकत। और आज हम जब खड़े हैं ना, तो हम डॉक्टर्स के लिए नहीं खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि निर्भया के लिए अगले दिन से दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो गया था सड़क के ऊपर, क्या लखनऊ में हुआ या देश के किसी कोने में हुआ? या आप जो मीडिया वाले हैं, आप हमें बताएं कि आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे किसी नॉन मेडिको ने प्रोटेस्ट जाहिर किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है ये डॉक्टर्स का मुद्दा है। ये डॉक्टर्स का मुद्दा है ही नहीं, ये इस देश की औरतों का मुद्दा है। फिर चाहे वो पैदाई हुई बच्ची हो, चाहे 80-90 साल की एक बूढ़ी महिला हो। कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सड़क पे नहीं उतरा है कैंडल लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों? क्या सिर्फ ये डॉक्टर्स का मुद्दा है? आप बेटी को कैसे पढ़ाएंगे जब उसके इंस्टीट्यूट ही सेफ नहीं होंगे? चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसका वर्क प्लेस हो, चाहे वो किसी भी उम्र की, किसी भी तबके की महिला हो। इट्स इज नॉट अबाउट डॉक्टर्स, इट इज अबाउट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। वी आर स्टिल नॉट फ्री। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं देश में। आज ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अपराधी को, जितने भी अपराधी उसमें शामिल हैं, उनको फांसी की सजा देने की बात कही है। आप लोग 1090 चौराहे पे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ? हमारी मांगे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, और जितना जल्दी हो सके इसको जो है एविडेंस साज को मिटाया ना जाए। जल्द से जल्द जो है लोगों की गिरफ्तारी हो, जो भी लोग हों। कोई, हम चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से कोई बचने ना पाए पूरी तरह से हम, और फांसी की मांग करते हैं हम लोग। आप लोग कह रहे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर आ गई हैं डॉक्टर्स के साथ, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। देखिए, वो अगर ऐसा है तो जो साक्ष्य मिटाने, जो एविडेंस मिटाने की जो उनकी एक तरह से कोशिश हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हो सकता हो कि ये भ्रम फैलाया जा रहा हो, यहाँ पे पॉलिटिक्स की जा रही हो, क्योंकि वो तो खुद धरने प्रदर्शन में डॉक्टर्स के साथ शामिल हुई हैं और उन्हें फांसी की वही मांग मांग कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले अचानक से भीड़ जमा हो गई और वहाँ के प्रशासन को उसका आइडिया ही नहीं था। तो ये हमें लगता है कि ये साक्ष्य मिटाने के लिए धरना पर वो लोग इकट्ठा हुए भीड़ के साथ, और जो भी आगजनी है, जो भी तोड़फोड़ किया गया, वो साक्ष्य मिटाने के पर्पज़ से किया गया ताकि एविडेंस ना मिल सके। साथ इस तरह की घटना हो जाती है, उनका रेप हो जाता है, क्या कहना चाहिए? कि एक ऐसी जगह पे जहाँ लोग ट्रीट होने आते हैं, वहाँ जो ट्रीट करने वाले हैं वो तक सेफ नहीं है इस कंट्री में, स्टेट में। एक लड़की कितना चीखी होगी नॉर्मल असॉल्ट पे, उसके साथ एक हीनियस क्राइम हो गया, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ फॉर दैट मैटर, उसकी चीख नहीं सुनाई दी होंगी बाहर तक, नहीं किसी को पता चला होगा 100 मीटर के रेडियस में कि उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, फिर भी बाकी लोग कहाँ चुप थे? कोई फर्स्ट कॉल रिस्पॉन्डर एक हॉस्पिटल जैसी जगह में क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा सवाल है, खुद में अपना बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं?
बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके से ये सब हो रहा है कहाँ सुरक्षित है। हॉस्पिटल में खुद के सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे आप 24 घंटे रहते हो वहाँ पर तक सुरक्षित नहीं हो। जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नाम की एक बेसिक चीज़ तो होनी चाहिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। जो स्टाफ है वो तक मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। लगातार नारा दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा की बात की जा रही है, वो चाहे हाथरस हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं पर भी महिलाएं सेफ नहीं है। इसकी जिम्मेदार ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ब्लेम करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, बट आप ये ब्लेम गेम करने से हमारी सिक्योरिटी नहीं आएगी। सरकार को ये समझना पड़ेगा। और आफ्टर निर्भया कंडीशन जो है वो वर्सन हो गई है, पहले सिर्फ रेप होता था, अब रेप करके मर्डर भी करते हैं और साथ में टॉर्चर भी कर रहे हैं, तो कंडीशन वर्सन हो गई है। सिर्फ फांसी इसकी सज़ा जो है वो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्री में फांसी मैक्सिमम सज़ा होती है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ फांसी दे, क्योंकि क्राइम का लेवल बढ़ गया है, तो आपको पनिशमेंट का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ फांसी पे, क्योंकि निर्भया केस में ऐसे हुआ था कि निर्भया ने आइडेंटिफाई कर लिया था, तब से लोगों को और भी ज़्यादा ट्रिगर मिल गया है कि अगर विक्टिम बच गया तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा बेटर है उसको मार दो ताकि हम कोई हमें आइडेंटिफाई ही ना कर पाए। इस केस में भी एक उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद सोच रहे हैं हमारा काम ख़त्म हो गया। नहीं, ये एक इंसान का काम ही नहीं था। अगर आप सोचें कि एक बंदे ने किया, नहीं, और इसके पीछे बहुत सारे और मोटिव भी हैं जो गवर्नमेंट को देखने चाहिए। आपने एक बंदे को पकड़ लिया, आपका काम नहीं ख़त्म हुआ। आपको ढूंढना चाहिए कि और क्या है और क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल, देश में लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसे साफ तौर पे लोगों में गुस्सा है। और फिर हॉस्पिटल जैसी जगह जहां पे ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, वहीं एक डॉक्टर को बेरहमी से मार दिया जाता है और लोग धरना प्रदर्शन में उन्होंने भी फांसी की बात कही है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के समस्त साथियों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे वही निवेदन करूंगा कि वो लोग भी इस घटना में हमारा साथ दें। जो हमारी महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी से उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, तो सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आरोपियों को फांसी दें ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने के लिए एक बार सोचे। क्या कहना चाहेंगे महिला होती तब भी इसी तरह का धरना? महिला कोई भी हो और सभी का नारी सम्मान, जैसे हमारे कहा जाता है कि समाज में नारियों का एक अपना महत्व है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज को इस पे आगे उठ के आना चाहिए। वो सिर्फ डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, नारी को बचाना सिर्फ डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं, नारी कोई भी हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो चाहे वो एक समाज की बेटी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो अभी उत्तराखंड में सुनने में आ रहा है कि एक नर्स के साथ रेप कांड हुआ और उसके डेथ हुई है, तो सभी के साथ मैं चाहता हूँ कि एक एक प्रत्येक व्यक्ति उस नारी के साथ खड़ा हो, जिससे कि उसको इंसाफ मिल सके। और आने वाली पीढ़ी में अगर कोई इस तरीके की बलात्कार या ऐसी कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको सोचना पड़े और उसको ऑन द स्पॉट उसको सजा मिलनी चाहिए। इतना समय हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए, जो आज के समय में इतना लेट लतीफ समय लग रहा है कि उसे जस्टिस मिल पाए। लगातार देश में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर नारी विकास बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम नारे देती है, फेल होती नजर आ रही है, सरकार की चुप्पी लोगों को काफी खल रही है और खलना भी चाहिए, क्योंकि बात देश की बेटियों की है, देश की महिलाओं की है, और देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट इस पे क्या कुछ एक्शन लेती है, ममता सरकार क्या कुछ इस पे फैसला सुनाती है, क्या उन लोगों को फांसी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहे 4 PM। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास हूं।